अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, मैथ्स के अंदर आज जो हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक। दोस्तों मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक क्या होता है? दोस्तों मैथ के अंदर हम लोग जो है ये काम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा आप मैथ के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो करते रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस है। दोस्तों अगर कभी हम मैथ में एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो तो ये बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक है। दोस्तों अरिथमेटिक का बेसिकली जो मीनिंग होता है, जो इसका मतलब होता है, अरिथमेटिक कहते हैं, ये एक अरिथमेटिक ग्रीक वर्ड है, इसका जो मतलब है इसको हम कहते हैं ये नंबर है। अरिथमेटिक का मतलब होता है नंबर, ठीक है। अब दोस्तों जब यहाँ पे नंबर आते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या इससे ज़्यादा, तो उनके साथ फिर चार ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों देखें, जैसे अरिथमेटिक का जो पहला ऑपरेशन है उसको हम लोग कहते हैं ये एडिशन है, और एडिशन आपको पता है कि क्या होती है, अगर हम 3 + 4 करें तो ये क्या आएगा? 7। तो ये जो ऑपरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एडिशन। अगर हम 7 - 5 करें तो ये आएगा 2। तो ये यहाँ पे हमने एडिशन की, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की, अब यहाँ पे हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये आ जाएगा 21। यहाँ पे हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये क्या आ जाएगा? 2। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल नंबर्स को ऐड भी किया, माइनस भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये सारा इसलिए किया ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो चार सिंपल प्रोसेस हम आम ज़िंदगी में करते रहते हैं उसको हम लोग अरिथमेटिक बोलते हैं। तो जब कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको अरिथमेटिक बोलते हैं। दोस्तों इससे आगे जो है इन अरिथमेटिक के अंदर कौन कौन से कवानीन होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, जो एक कानून होता है सबसे बड़ा, उसको हम कहते हैं डी मैथ। यानी आपने हमेशा सबसे पहले डिवाइड करना, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डी मैथ। दोस्तों डी मैथ ये होता है कि पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये एक बात का एक नया टॉपिक है, इसमें हम दोस्तों फिर कभी बात करेंगे। अगर ये आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है उसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम।